Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and now we'll start Sutherland Hodgman polygon clipping algorithm. ठीक है, जैसे कि हमने line clipping के लिए क्या देखा था, हमारा होता है Cohen Sutherland line clipping algorithm. ठीक है, इसके लिए हमारा polygon जो हमारा होता है उसको clip करने के लिए हम use करते हैं Sutherland Hodgman algorithm. ठीक है, now इसमें करना क्या होता है, इसमें it clips the region of the polygon lying outside the window. जैसे हमारी line अगर बाहर लाई करी थी तो उसका clip कर देता था, वैसे similarly इसमें भी हमारा अगर जो portion बाहर आ रहा है उसको हम clip कर देंगे. क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ द विंडो एंड ऑब्टेन अ न्यू सेट ऑफ वर्टाइसेस. ओके, इसमें क्या करना है हमें, एक बार हम लेफ्ट पोर्शन से क्लिप करेंगे, एक बार राइट, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप. ठीक है, मतलब हम चारों तरफ से क्लिप करेंगे ताकि जो हमारा बाहर हिस्सा आ रहा है वो हट जाए. ठीक है, अब हमारा पॉलीगन क्या होता है, एक फिगर होती है जिसमें जो कि हमारा क्लोज है. ठीक है, मिनिमम तीन साइड हमारी होनी चाहिए क्योंकि हमारा कोई भी क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें तीन साइड चाहिए चाहिए होती है. ठीक है, तो वही बात है. सो अगर हम इसको देखते हैं, सपोज ये हमारा विंडो है जो मेरा स्क्वायर है और जो मैंने रेड कलर से बनाया ये मेरा अगर पॉलीगन हो गया. ठीक है, तो अब हमको क्लिपिंग करनी है. सपोज मैं सबसे पहले क्लिपिंग करता हूँ लेफ्ट साइड से, तो हमारा कुछ कैसे बन जाएगा, ये हमारा बचा हुआ फिगर बनेगा. ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा ये, मतलब हमारा जो बाहर का ये वाला पोर्शन था ये रिमूव हो गया, तो हमारा फिगर ऐसा बन जाएगा. नाउ अगर पहले मैंने लेफ्ट क्लिपिंग करी, अब अगर मैं इसको राइट से भी क्लिप कर देता हूँ तो मेरा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है, ऐसे रह जाएगा, जो बाहर का ये वाला पोर्शन था वो भी गायब हो जाएगा. हमने पहले लेफ्ट क्लिक किया फिर राइट क्लिक कर दिया तो हमारा ऐसा हो गया. हम अगर इसको बॉटम से भी क्लिप कर देंगे तो अपना कैसे बन जाएगा, सिंपली ये रह जाएगा. ठीक है, ये नीचे का हिस्सा भी हमने गायब कर दिया. अब अगर हम टॉप से भी इसको सिंपली क्लिप कर देते हैं तो हमारा कुछ फाइनल आंसर ऐसे दिखेगा. ठीक है, अपने को यही करना है इस एल्गोरिथम के थ्रू कि हमको सबसे पहले, मतलब आप किसी भी सीक्वेंस में क्लिप कर सकते हैं. पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको राइट से लेफ्ट से क्लिप कर दिया तो मेरा कुछ ये फिगर बचा, फिर मैंने इसको राइट से भी क्लिप कर दिया तो मेरा ये वाला फिगर भी हट गया जो बाहर आ रहा था ये वाला पोर्शन, फिर मैंने इसको बॉटम से क्लिप किया तो मेरा ये वाला पोर्शन हट गया, और फिर मैंने जब टॉप से भी क्लिप कर दिया तो मेरा ये वाला पोर्शन भी हट गया और फाइनल फिगर मेरी ये होगी. ठीक है, हमको ये एल्गोरिथम के थ्रू करना है, इसको हम बोलते हैं Sutherland Hodgman पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमारे पास बेसिकली गाइस चार केसेस होते हैं. टू फाइंड न्यू सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस वी हैव द फोर केसेस. अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होगी कि हमारी विंडो है और हमारा, सो गाइस अगर हमारे पास ये विंडो है, ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है. ठीक है, V1 से V2 आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, तो फिर जहां पर हमारा ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसको मैंने बोल दिया V1 डैश. क्यों? क्योंकि वो V1 से निकल रहा है तो मैं ऐसी V1 डैश बोल दिया. ठीक है, यू कैन टेक एनी पॉइंट बट जनरली हम लोग V1 है तो V1 डैश ले लेते हैं. तो अगर हमारा केस आउटसाइड से इनसाइड है, ठीक है, मतलब हमारी लाइन जो वर्टेक्स है V1 से V2 हो रहा है, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया V1 डैश और डेस्टिनेशन क्या हो गया आपका V2, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा. अब अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, ये वाला केस, इसमें क्या हो रहा है, विंडो ये है और इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है. ठीक है, मतलब विंडो के अंदर से बाहर की साइड को जा रहा है, तो फिर इस केस में क्या होगा, हमारा आउटपुट जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. ठीक है, आउटपुट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज V1 डैश. लेट मी जूम इट आउट, अगर आपको जल्दी छोटा दिख रहा हो तो. ओके, तो अगर मेरा ये वाला केस है कि इनसाइड से आउटसाइड जा रही है मेरी लाइन, तो मैं अपना आउटपुट जो होगा मेरा सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज V1 डैश. ठीक है, ये मेरा हो गया सेकंड केस. नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड केस. थर्ड केस में गाइस क्या होगा, थर्ड केस में हो सकता है कि हमारा दोनों लाइन जो हमारी पॉइंट्स एंड पॉइंट्स अंदर हो, V1 V2, तो ये इन केस हो गया. तो इस केस में क्या होगा, अगर हमारा V1 से V2 डायरेक्शन में जा रही है लाइन, तो फिर हमारा आउटपुट होगा डेस्टिनेशन, दैट इज V2, तो हमारा V2 आ गया सिर्फ. ठीक है, नाउ अगर हम फोर्थ केस की बात करते हैं गाइस, इसमें क्या होगा, आउटसाइड ऑफ आर विंडो हमारा ये लाइन लाइक करेगा, तो अगर बाहर हुआ तो हमें कोई मतलब नहीं है क्लिपिंग, मतलब बाहर है तो कोई जरूरत ही नहीं है दिखाने की हमको, तो इसलिए आउटपुट नथिंग होगा, आउट नल कह सकते हैं, नथिंग जो भी आप कहना चाहें. ठीक है, एक बार फर्स्ट भी आपको जूम व्यू में दिखा देता हूँ, मे भी आपको सही से नहीं दिखा उस समय. ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा होगा तो हम दो, हमारा आउटपुट होता है कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो V1 डैश V2 हमारा आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, सो गाइज एक इसका न्यूमेरिकल दिख लेते हैं फटाफट से. सो गाइज मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, मेरे पास एक विंडो गिवन है और मेरे को ये पॉलीगन गिवन है. ठीक है, मेरे को क्लिपिंग करना है अपना एल्गोरिथम यूज करके. सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लिपिंग अगेंस्ट द लेफ्ट एज ऑफ द विंडो. सबसे पहले हम इस वाली एज से क्लिपिंग कर रहे हैं जो मैंने रेड लाइन बना रखी है गाइस. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, मैंने तीन कॉलम बना लिए, वर्टेक्स, केस और आउटपुट. केस सिर्फ समझाने के लिए, अपने रेफरेंस के लिए कि इन इन है या आउट आउट है, ये आप एग्जाम में लिखो नहीं लिखो एक बराबर है, बट ये कि अगर लिख दोगे तो ज्यादा सही से दिख जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्टेक्स कॉलम में सारी वर्टेक्स लिख दी, A B B C C D DE और EA. ठीक है, ये लिख दी. फिर केस हमारा भी हम चेक करेंगे और आउटपुट क्या आएगा वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले AB वर्टेक्स की देखो, सबसे पहले हम क्लिपिंग इस लाइन से कर रहे हैं ना, AB वर्टेक्स की अगर आप बात करते तो इसके रेफरेंस में ये अभी अंदर है ना, AB अंदर है, BB अंदर है, तो AB हमारा अंदर है. तो अगर हमारा केस होता है इन, तो हमारा आउटपुट क्या होता है, सिर्फ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन दैट इज हमारा B, आउटपुट हमारा B आ गया. ठीक है,
ठीक है ना गाइस, इन इन केस था तो हमारा आउटपुट आ गया बी, दैट इज डेस्टिनेशन। ठीक है, ये वाला केस था हमारा थर्ड केस, जब हमारा इन इन वाला सिचुएशन होता है तो फिर डेस्टिनेशन वर्टेक्स वी टू होता है, ठीक है, जहां से आ रहा होता है तो सिर्फ वर्टेक्स वी टू ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी इन इन वाला केस था, ए से बी जा रहे थे तो इसलिए बी हमारा आउटपुट आ गया। सिमिलरली हम बात करते हैं बीसी की, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो बीसी भी हमारा अंदर है तो इसलिए आउटपुट जाएगा डेस्टिनेशन, दैट इज सी, सी मेरा आउटपुट हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ सीडी की, सी डी ये भी हमारा इस वाली लाइन के अंदर ही है, दैट्स वाई इन इन सिचुएशन हुई और हमारा आउटपुट आ गया डी वर्टेक्स। ठीक है, और फिर नाउ नेक्स्ट डीई, डी से ई, अब यहाँ पे गाइस चेंज हो रहा है केस हमारा। ठीक है, अब इन से आउट जा रहा है, ठीक है, डी से ई जा रहे हैं तो इन से आउट जा रहे हैं, इन से आउट जा रहे होते हैं तो हम क्या लेते हैं डेस्टिनेशन हमारा जो जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट लेट अस से मेरा डी से निकल रहा है तो मैं इसको यहाँ पे डी डैश बोल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा डी डैश। ओके, नाउ लेट मी शो यू, अगर हम इन से आउट जाते हैं तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, हमारा केस ये रहा इनसे आउट वाला सेकंड केस है, अगर हम इनसे आउट जा रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा डेस्टिनेशन, नॉट डेस्टिनेशन द इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज वी वन डैश, तो वी वन डैश हो गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं जो हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है डी डैश, तो इसलिए यहाँ पे डी डैश आ गया। अब नेक्स्ट केस हमारा क्या होगा ई ए के लिए हम देखते हैं, तो ई से लेके ए अगर हम जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसके रेफरेंस में देख रहे हैं ना अभी लेफ्ट वाले के लिए, लेफ्ट क्लिपिंग कर रहे हैं लेफ्ट में, तो ई ए अगर हम देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, जो हमारा वर्टेक्स जो कि यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे हमारा आगे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया ना आउट से इन, आउट से इन जब हम जाते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस दी डेस्टिनेशन वर्टेक्स। ठीक है, वी वन डैश वी टू होता है ना, तो सिमिलरली इस केस में हमारा हो जाएगा ई से सिंस पॉइंट निकल रहा है तो लेट मी से ये मेरा ई डैश पॉइंट हो गया, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा ई डैश ए। ठीक है, मेरा आउटपुट हो गया ई डैश ए, और ये जो है हमारी दो नई वर्टेक्स यहाँ पे आई है सॉल्व करने के बाद, न्यू वर्टेसेस। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यू वर्टेक्स आई है। ठीक है, हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या क्या लेफ्ट क्लिपिंग कर दिया, तो हमारा ये वाला पोर्शन रिमूव हो चुका है अब इस वाले को पॉइंट को करने का, तो इसको करने का हमारा कुछ फिगर इस तरीके से दिखेगा। लेट मी शो यू फर्स्ट ये वाला फिगर। ठीक है, फर्स्ट वाला इसको जो हमने क्लिपिंग किया ये वाला हमारा हट गया पोर्शन, तो हमारा आउटपुट कुछ अब इस तरीके से बचा। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद अब हम सेकेंड क्लिपिंग अप्लाई करते हैं राइट साइड में, फिर देखते हैं कि अपना आउटपुट क्या आता है। ठीक है, लेट स्टार्ट सेकेंड केस गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पोर्शन अब हमारा कट चुका है, इधर वाला हट चुका है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं क्लिपिंग अगेंस्ट द राइट एज ऑफ द विंडो, इस वाली एज के अगेंस्ट हम क्लिपिंग कर रहे हैं। हम फिर से क्या करेंगे, अब हम एजेस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर न्यू डायग्राम, हमारा नया डायग्राम ये हो गया ना। ठीक है, मतलब हमारा ये वाला ई हट गया, अब हमारे नया पॉइंट आ गया डी डैश ई डैश, हमारा ये नया डायग्राम हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब जो है हमारा हम इसमें वर्टेक्स लिखेंगे, तो हमारे वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, एक तो ए बी हो गया, एक बी सी सी डी, ठीक है, और फिर डी डी डैश हो गया, डी डैश ई डैश और ई डैश ए, क्यों, क्योंकि ये तो हट ही चुका है ना। ठीक है, अपना ये सी डी हो गया, लेट मी शो यू वंस अगेन द डायग्राम, ये हमारा हो गया सी डी। ठीक है, सी डी, फिर डी डी डैश, डी डी डैश, फिर डी डैश ई डैश, डी डैश ई डैश और ई डैश ए। ठीक है, ई डैश ए, तो हमारा ये हो गया। नाउ अब हम समझते हैं कि हमारा फिर से आउटपुट क्या आएंगे इन केसेस में, अगर हम ये वाला डायग्राम देख के चलते हैं साथ में। ओके, जो हमारा सबसे पहले आया है, नाउ इसको देखते हैं डायग्राम को, ठीक है, ताकि आपको सही से दिख पाए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस गाइस, हमारे पास सिंपली वर्टेक्स हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास कुछ नहीं होगा, ये हम भरेंगे। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको ये कैसा है। अब हम देखते हैं ए बी वर्टेक्स, यहाँ पे देखो ए से अभी हम क्लिपिंग कर रहे हैं इस वाली विंडो के रेस्पेक्ट में, ठीक है, राइट वाले के। अब हम ए से बी जा रहे हैं, मतलब इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे ना अब हम, तो हम विंडो के इनसाइड से आउटसाइड में जा रहे हैं। अगर हम इनसाइड से आउटसाइड में जाते हैं तो क्या होता है हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स जो हमारा कट करता है यहाँ पे, तो ये हमारा ए से निकल रहा है, तो लेट से ये मेरा ए डैश हो गया, तो मेरा इसलिए आंसर हो गया ए डैश। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखेंगे बी सी, बी से सी मतलब आउट से इन आ रहा है, तो हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स हमारा मतलब आंसर क्या होगा आउटपुट में, जो हमारा कट कर रहा है और सी भी आएगा हमारा जो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सपोज बी से निकल रहा है तो मैं इसको बी डैश नाम दे देता हूँ इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो बी डैश सी, इसलिए मेरा आंसर आ गया। अब मैं अगर सी डी की बात करता हूँ, सी से डी की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है हमारा सी डी में, हमारा ये इन इन सिचुएशन हो गया क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर इन इन होता है तो हमारा आउटपुट क्या होता है डेस्टिनेशन वर्टेक्स ओनली, तो सिंपली हमारा डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी आउटपुट में हमारा आ गया। नाउ गाइस जब हम बात करते हैं डी डी डैश की, मतलब हमारा ये वाला डी डी डैश, ये भी हमारा इस लाइन के राइट जो हम क्लिपिंग कर रहे हैं इसके अंदर आ रहा है, इन इन सिचुएशन हुआ तो हमारा आउटपुट भी होगा ये वाला डेस्टिनेशन वर्टेक्स, तो हमारा हो जाएगा डी डैश यहाँ पे सिंपली। अब हम डी डैश ई डैश की बात करते हैं, ये भी हमारा अंदर आ रहा है, तो फिर हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा है, तो आउटपुट क्या होगा सिर्फ ई डैश, इसलिए ई डैश आ गया। ये मैं आउटपुट कहां से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको चार टेस्ट केसेस बताए थे, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी चार टेस्ट केसेस समझाए थे ना, इन टेस्ट केसेस में हम आंसर निकाल रहे हैं। अब मैंने आपको इन इन वाला सिचुएशन बताया, तो इन इन में क्या होता है
हम V1 से V2 मूव कर रहे हैं तो हम आउटपुट में सिर्फ डेस्टिनेशन आएगा, दैट इज V2, ठीक है। वही वाला हम केस अभी लेके सॉल्व करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके नाउ हमारा जब होता है ई डैश ए होगा, मतलब ई डैश ए, तो ये भी इसके हिसाब से इन इन सिचुएशन होगी, तो इसलिए आउटपुट हमारा ए आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो नाउ सॉल्व करने के बाद आफ्टर अप्लाइंग लेफ्ट क्लिपिंग हमने पहले अप्लाई करी थी, अब हमने राइट क्लिपिंग भी अप्लाई कर दी। इसके बाद हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, लेट मी शो यू गाइस। इसके बाद गाइस जब हमने इसको क्लिपिंग कर लिया फ्रेंड्स, तो अब हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। पहले हमने लेफ्ट क्लिपिंग करी तो हमारा आंसर ये आया था, अब हमने राइट क्लिपिंग भी कर ली तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। हमारे नए वर्ड पॉइंट्स क्या निकले, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ये दो हमारे दो न्यू वर्टेक्स बने हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लेफ्ट क्लिप करा, अब मैंने राइट क्लिप कर दिया, अब मैं इसको बॉटम से क्लिप करता हूँ, ठीक है। बॉटम से क्लिप करते हैं तो देखते हैं अब हमारा आंसर क्या आएगा। ओके गाइस, नाउ गाइस थर्ड पॉइंट हमको क्या करना है, बॉटम क्लिपिंग करनी है, ठीक है। अब हमारा फिगर क्या आया था आफ्टर राइट क्लिपिंग, ऐसा आया था, अब अपने को इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में हमको क्लिपिंग करना है, ठीक है। अब हमने सिंपली फिर से वर्टेक्स दिया ए ए डैश ए डैश बी डैश, ठीक है, देखते रहना यहाँ पे सी डी नॉट सी डी, ये बीच में भी है बी डैश सी, फिर अपना सी डी है, फिर डी डी डैश है वो लिखा है, फिर डी डैश ई डैश है वो भी लिखा है, फिर ई डैश ए है, ठीक है, ई डैश ए वो भी लिख गया। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, हमने वर्टेक्स लिया। अब हम इसके बाद अब फिर से सॉल्व करेंगे, इस रेस्पेक्ट में हम चेक करेंगे ए ए डैश को, जब हम देखते हैं सबसे पहले अपनी वर्टेक्स को, तो इन इन केस है क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है, इन साइड है ये विंडो के समय, तो इन इन केस होगा तो आउटपुट हमारा होगा सिर्फ डेस्टिनेशन वर्टेक्स, तो हमारा ए डैश आ गया इसलिए आउटपुट में, ठीक है, इस वाले केस में ए डैश आ गया। अब हम ए डैश बी डैश की जब बात करते हैं तो हम यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो ये भी हमारा इस समय क्लिपिंग विंडो के अंदर आ गया, इसके अकॉर्डिंग हम इसके रिस्पेक्ट में हम क्लिप कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा आउटपुट आ गया बी डैश। सिमिलरली बी डैश सी के लिए जब बात करते हैं ये भी इन इन हो गया, तो आउटपुट आ गया हमारा सी। फिर सी से डी जब हम जाते हैं, यहाँ पे कुछ नई चीज हुई है, नई चीज क्या हुई है, यहाँ पे हम इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं, ठीक है। जब इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है, जो हमारा पॉइंट कट कर रहा होता है, जो हमारा पॉइंट कट कर रहा है लेट से हमारा सी डैश है, क्योंकि ये सी से निकल रहा है, मैंने इसको सी डैश मान लिया, तो इसलिए मेरा आंसर आ गया सिंपली यहाँ पे सी डैश, ठीक है, इनसे आउट था। अब मैं अगर सॉल्व करता हूँ डी से डी डैश पे जाता हूँ, तो मेरा एक और केस बन रहा है, कौन सा, आउटसाइड से इनसाइड वाला केस। आउटसाइड से इनसाइड वाले केस में क्या होता है, हम दो हमारा आउटपुट जाता है वो होता है जो हमारा पॉइंट कट कर रहा होता है और जो हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स होता है। जब सपोज हमारा डी से निकल रहा है, डी डैश तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो लेट से मेरा ये वाला पॉइंट है डी डबल डैश, ठीक है, तो अब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स, दैट इज डी डबल डैश डी डैश, ये मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है। अब मैं जब बात करता हूँ नेक्स्ट वर्टेक्स, दैट इज डी डैश ई डैश की, मतलब ये वाली वर्टेक्स की, इसके रिस्पेक्ट में इन है, तो इसीलिए डी डैश से ई डैश जा रहे हैं, तो आउटपुट अपना सिंपल डेस्टिनेशन वर्टेक्स हो जाएगा, दैट इज ई डैश हमारा आंसर आ जाएगा। फिर जब हम ई डैश ए को देखते हैं, ये भी हमारा इनसाइड लाइक कर रहा है, ई डैश से ए जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर सिंपली ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने बॉटम क्लिप भी कर लिया, मतलब ये वाला पोर्शन भी हट चुका है अपना, ठीक है। इसका बॉटम क्लिप पोर्शन हटने के बाद हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नॉट इस तरीके से, लेट मी शो यू थर्ड डायग्राम मेरा ये रहा, ठीक है, लेट मी शो यू गाइस, ये हमने किया, ठीक है, ये हटा दिया नीचे का पोर्शन, तो ये अपना पूरा हट गया। फिर हमने डी डबल डैश और सी डैश आया था, ये डी डबल डैश और सी डैश लगा के दिखा दिया, ठीक है। इस केस में हमारे दो न्यू वर्टेक्स बने थे ना, सी डैश और डी डबल डैश नया आया था, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। आफ्टर बॉटम क्लिप हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। नाउ जब मैं चौथा इसमें अप्लाई करूंगा, चौथा कौन सा बचा है मेरा, अब देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट क्लिपिंग करी, फिर राइट में क्लिप किया, फिर बॉटम में क्लिप किया, अब मैं सबसे ऊपर मैं टॉप पोर्शन को क्लिप करूंगा, ठीक है। अब मेरे को इसके रिस्पेक्ट में क्लिपिंग करनी है, इससे ऊपर वाला पोर्शन हटा देना है। सो टॉप क्लिपिंग की जब हम बात करते हैं, सो गाइस बॉटम क्लिप करने का हमारे पास कुछ ऐसा बचा था, तो अब इसके हम एजेस लिख लेंगे, अगर एक बार तो क्या आएगा, यहाँ पे देखते चलना आप, ठीक है, ए ए डैश ए डैश बी डैश बी डैश सी, ठीक है, सी सी डैश सी डैश डी डबल डैश, ये वाली हो गई डी डबल डैश डी डैश, ये होगी, फिर यहां से यहां तक डी डैश ई डैश, ये भी लिखा है, फिर ई डैश ए ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स निकालेंगे। अब सपोज हम ए से ए डैश जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम आउटसाइड से इनसाइड आ रहे हैं, ठीक है, ये इस केस में हम अब इसको अपना क्लिपिंग विंडो मान रहे हैं ना, फिलहाल इस क्लिपिंग लाइन ही होगी। तो ए से ए डैश पे जब हम जा रहे हैं, तो आउटसाइड से इनसाइड वाला केस हुआ, मतलब हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और जो हमारा डेस्टिनेशन है उसका आउटपुट लेंगे। तो ए डैश ऑलरेडी हमने दे रखा है, तो सपोज ये हमारा हो गया ए डबल डैश, तो आउटपुट हो जाएगा ए डबल डैश ए डैश, ठीक है, हमारा ये आ गया, ये हो गया। फिर हम जब चेक करते हैं ए डैश बी डैश, ये इनसाइड इसके अंदर लाइक कर रहा है, तो इसलिए ए डैश से बी डैश जा रहे हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स आउटपुट हो जाएगा, दैट इज बी डैश हमारा आउटपुट हो गया। फिर हम बी डैश सी की जब हम बात करते हैं, इस वाले थर्ड वाले की बी डैश सी की बात करते हैं, तो फिर ये भी हमारा इन इन सिचुएशन हुआ, तो सिंपली आउटपुट हमारा हो गया सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा था, आउटपुट वर्टेक्स मतलब आउटपुट हो गया डेस्टिनेशन वर्टेक्स, दैट इज सी आ गया। सिमिलरली सी सी डैश में भी वही सेम कंसेप्ट है, इन इन वाला कंसेप्ट है, तो सी डैश आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली फॉर डी डबल डैश, अपना सी डैश से डी डबल डैश जब आप जा रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है, जब सी डैश से डी डबल डैश जा रहे हैं, तो ये हमारा इनसाइड लाइक कर रहा है ऑफ दिस क्लिपिंग पोर्शन, तो फिर
अपना आउटपुट जाएगा डेस्टिनेशन वर्टेक्स दैट इज डी डबल डैश आउटपुट आ गया, और फिर डी डबल डैश से जब आप डी डैश पे जा रहे हो ये भी हमारा इसके इस वाली लाइन के अंदर लाइक कर रहा है, तो इसलिए सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन वर्टेक्स आ जाएगा दैट इज डी डैश हमारा आउटपुट आ जाएगा। फिर डी डैश ई डैश की जब हम बात करते हैं मतलब इस वाली लाइन की, तो हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहे हैं तो फिर अपना ई डैश आउटपुट में आ जाएगा, तो इसलिए ई डैश सिंपली लिख दिया। अब एक और केस, ई डैश से ए जब आप जाते हो तो इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं ना, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो इसमें वाला केस लगेगा। इसमें हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं। अब सिंस हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ई डैश से निकल रहा है तो लेट्स से हम इसको ई डबल डैश करके नाम दे देते हैं, ठीक है, ई डबल डैश। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा सिंपली ई डबल डैश, क्यों, क्योंकि हमारा इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं तो फिर हमारा आउटपुट होता है सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसलिए ई डबल डैश आंसर हो गया। तो ठीक है गाइस, ये हमने सारे इसके आउटपुट निकाल लिया और ये हमारा न्यू वर्टेक्स हो गया और ये हमारा न्यू वर्टेक्स बनाए। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, लेट मी शो यू उसका डायग्राम कैसे बनेगा। अभी आपका लेटेस्ट डायग्राम ये था ना, हमने इसमें चेंजेस करे, हमने इसका टॉप पोर्शन से क्लिपिंग कर दिया, तो टॉप पोर्शन से क्लिपिंग करने के बाद ये भी पोर्शन हट जाएगा एंड योर आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको जूम कम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये था, इससे हमारा ये आंसर आ गया। अब सिंपली हमारा लेफ्ट भी हट गया, राइट भी, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सब हट चुका है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने पास डायग्राम क्या था, सबसे पहले डायग्राम ये था, ठीक है, सारा बाहर निकला हुआ था। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट क्लिपिंग करी, लेफ्ट क्लिपिंग करने के बाद हमारा ये डायग्राम बना। ठीक है, फिर लेफ्ट क्लिपिंग करी तो ये पोर्शन हटा, ये डायग्राम बना, इसको हमने राइट क्लिप करा तो ये वाला पोर्शन हटा, ये वाला डायग्राम बना, इसको हमने बॉटम क्लिप करा, ये पोर्शन हटा तो ये वाला डायग्राम बना, फिर हमने इसको टॉप से हटाया तो फिर हमारा ये पोर्शन हटा, ये डायग्राम बन गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसको शो कर देना आफ्टर टॉप क्लिपिंग। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट आर पॉलीगन क्लिपिंग सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को। टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय।